Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is 100 days of machine learning and today is day 14. हमने पिछले वीडियो में एक एंड टू एंड मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट किया था जो कि बहुत ही सिंपल सा टॉय डेटा सेट के ऊपर बनाया हुआ था, ठीक है। और अब हम लोग आज के वीडियो से, मतलब आगे जितने भी वीडियोज हैं उसमें हम लोग उन्हीं स्टेप्स को ब्रेक डाउन करके एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। सो आज हम लोग सबसे पहले स्टेप के ऊपर फोकस करने वाले हैं, दैट इज फ्रेमिंग द प्रॉब्लम, ठीक है। सो होता क्या है कि जब आप एज अ जूनियर डेटा साइंटिस्ट ज्वाइन करोगे किसी कंपनी में तो आप एक बड़ी टीम का पार्ट रहते हो, ठीक है। अब उस बड़ी टीम में आपको लेट्स से वो बड़ी टीम को एक बड़ा सा प्रोजेक्ट बना रही है, कुछ भी हो सकता है, रिकमेंडर सिस्टम या फिर कोई प्रिडिक्टिव मॉडलिंग सिस्टम कोई बना रही हो, तो वहां पे आपको कोई छोटा सा काम मिलता है क्योंकि आपके 10 15 20 डेटा साइंटिस्ट हैं और सिंस आपने जस्ट ज्वाइन किया तो आपको कोई छोटा सा काम मिल जाएगा, डेटा प्री प्रोसेस करने को या फिर एक पर्टिकुलर मॉडल को पकड़ के आप ट्रेन करते हो, कुछ भी इस तरह का काम आपको मिलता है, राइट। बट वंस यू ग्रो अप, लाइक जब आप और ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो कंपनी में और लीडरशिप पोजीशंस अटेन करते हो, ठीक है, तो क्या होता है कि तो आपको जो प्रॉब्लम्स होती है ना वो आप लाइक एंड टू एंड प्लान करते हो कि कैसे उसको सॉल्व किया जाएगा, बिकॉज नाउ यू आर द लीडर, तो एग्जैक्ट स्टेप्स क्या है ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है। तो इसीलिए आज का वीडियो इज इंपॉर्टेंट क्योंकि भले ही आपको पहले दिन से ये करने को ना मिले बट आपका प्रोग्रेस उस कंपनी में इस चीज पर डिपेंड करता है कि आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कैसा है, ठीक है। तो आज के वीडियो में आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू कि अगर आपको एक बिजनेस प्रॉब्लम दिया जाए, ठीक है, मतलब एक बिजनेस को अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है उसके बारे में अगर आपको बताया जाए तो क्या आप उसको मशीन लर्निंग प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर सकते हो कि नहीं और फिर उसको सॉल्व कर सकते हो कि नहीं, ठीक है। तो दैट इज द होल आइडिया फॉर टुडेज वीडियो कि आज के डेट में अगर मुझे कोई एक बिजनेस प्रॉब्लम मिल रहा है तो मैं उसको मशीन लर्निंग प्रॉब्लम की तरह कैसे कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। तो लेट मी शेयर द स्क्रीन फर्स्ट। ओके, सो मैंने कुछ सीरीज ऑफ स्टेप्स लिखे हैं जो आप सबसे पहले करोगे अगर आपको इस तरह का कोई सिनेरियो दिया जाएगा, ठीक है। अब ये सीरीज ऑफ स्टेप्स अगर मैं ऐसे पढ़ाने लग जाऊं बुक्स की तरह तो थोड़ा बोरिंग हो जाएगा, सो मैंने डिसाइड किया है कि मैं एक एक्चुअल केस स्टडी के बारे में बात करूंगा, मैं एक एक्चुअल एग्जाम्पल लूंगा एक एक्चुअल कंपनी का और उस कंपनी में घुस करके हम एज अ डेटा साइंटिस्ट काम करेंगे, ठीक है। तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ नेटफ्लिक्स, हम सभी लोग जानते हैं नेटफ्लिक्स के बारे में, इट्स अ ग्रेट कंपनी और आज के डेट में प्रोबेबली नंबर वन ओटीटी प्लेटफॉर्म है और बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, ठीक है। लेट्स अज्यूम कि हम नेटफ्लिक्स में बहुत बढ़िया डेटा साइंस पोजीशन पे हैं, लाइक हम लोग बहुत अच्छे बढ़िया डेटा साइंटिस्ट हैं, वी कैन बी द लीड डेटा साइंटिस्ट, ठीक है। अब नेटफ्लिक्स में एक मीटिंग चल रहा है इस पॉइंट पे कि नेटफ्लिक्स का रेवेन्यू कैसे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, और सारे जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं अभी कंपनी में, सीईओ हो गया, सीटीओ हो गया, आपका ऑपरेटिंग ऑफिसर्स हो गए और आप भी हो उस मीटिंग में, ठीक है, इट्स अ बिग मीटिंग और बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, वहां पे डिस्कस किया जा रहा है कि नेटफ्लिक्स का रेवेन्यू कैसे बढ़ाया जा सकता है, राइट। अब यू आर सिटिंग इन दैट मीटिंग और आपसे भी पूछा गया कि बताओ, यू आर द हेड ऑफ डेटा साइंस टीम, व्हाट डू यू थिंक नेटफ्लिक्स का रेवेन्यू कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो आपके दिमाग में क्लिक किया कि रेवेन्यू बढ़ाने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका यह है कि हम ज्यादा नए कस्टमर्स को ला पाए अच्छा मार्केटिंग करके, ठीक है। सेकंड तरीका है कि आपके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनसे आप ज्यादा चार्ज करने लग जाओ, ठीक है। और थर्ड जो सॉल्यूशन है वो ये है कि आपके जो वो कस्टमर्स हैं जो प्लेटफॉर्म छोड़ के जा रहे हैं उनको आप किसी तरीके से रोक लो, ठीक है। तो नए कस्टमर्स लाना डिफिकल्ट है, एग्जिस्टिंग से ज्यादा लेना गलत बात है, तो आपके दिमाग में क्लिक किया कि क्यों ना हम एग्जिस्टिंग कस्टमर्स जो छोड़ के जा रहे हैं उनको किसी तरीके से रोक पाए तो मुझे प्रॉफिट दिख रहा है, ठीक है। तो आपने यही बात पुट किया, आपने बोला कि व्हाट इफ बॉस हम चर्न रेट को घटा दें। नाउ चर्न रेट अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको जल्दी से डिफाइन करके बताता हूं। चर्न रेट किसी भी प्लेटफॉर्म पे कैसे निकाला जाता है कि अभी जितने भी आपके एक्टिव यूजर्स हैं, इनफैक्ट जितने भी आपके यूजर्स हैं उनमें से इन अ गिवन पीरियड, लेट्स से मंथली या ईयरली बेसिस पे कितने कस्टमर्स प्लेटफॉर्म छोड़ के जा रहे हैं। आई गिव यू वन एग्जांपल, लेट्स से नेटफ्लिक्स में 100 यूजर्स हैं और नेटफ्लिक्स का मंथली चर्न रेट इज 2%, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एक महीने बाद सिर्फ 98 कस्टमर्स बचेंगे, ठीक है, और फिर उसके एक महीने बाद 98% बचेगा, ठीक है। उसके बाद फिर 2% आप हटाते जाओ एग्जिस्टिंग में से, दैट इज चर्न रेट, ठीक है। तो अगर ये चर्न रेट बहुत ज्यादा है तो ऑब्वियसली आपकी कंपनी को नुकसान होने वाला है, ठीक है। अब एक डाउट जब मुझे आता था जब मैं चर्न रेट के बारे में पढ़ता था कि यार ऐसे तो 2% करते करते कंपनी खत्म हो जाएगी,
ऐसा नहीं होता है, आपके नए कस्टमर्स भी आते रहते हैं, और जनरली जो नए कस्टमर्स के आने का रेट होता है वो चर्न रेट से ज्यादा होता है, तभी आपके कस्टमर्स ग्रो करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. इट्स लाइक जिंदा और मतलब पैदा होना और मरना, लाइक बर्थ रेट एंड डेथ रेट. अगर आपका डेथ रेट इज ग्रेटर देन बर्थ रेट तो आपका पॉपुलेशन खत्म हो जाएगा, अगर आपका बर्थ रेट इज हायर देन डेथ रेट तो वो ग्रो करेगा पॉपुलेशन. ठीक है, तो वही सीन है यहाँ पे. चर्न रेट मैंने जितना पढ़ा है नेटफ्लिक्स में इज अराउंड 4% आज की रेट में. ठीक है, अब आपका टारगेट है 4% को नीचे लेके आना, प्रोबेबली 3.75 या 3.5, ये बहुत बड़ा ही हो जाएगा. मतलब ये इतना 0.25% का भी चेंज अगर आप ला पाओ नेटफ्लिक्स के स्केल पे करोड़ों कस्टमर्स में, बहुत बड़ी बात है ये. तो मैं थोड़ा सा ज्यादा बोल दिया यहाँ पे, 3.75 बहुत ज्यादा है, बट लेट्स से हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये निकला एंड में कि मुझे किसी तरीके से चर्न रेट को घटाना है, क्योंकि अगर चर्न रेट घटेगा तो इतने जो परसेंट लोग रुक गए मेरे प्लेटफॉर्म पे उतने ज्यादा लोग अब मुझे पैसे दे रहे हैं मंथली बेसिस पे, क्योंकि नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन मॉडल है, पर मंथ बेसिस पे आप चार्ज करते हो, तो कस्टमर अगर रुक गया तो पे तो करेगा ही, राइट? तो यही सीन है. ठीक है, अब आपने क्या कर दिया, एक बिजनेस प्रॉब्लम. आपका बिजनेस प्रॉब्लम क्या था, इंक्रीज रेवेन्यू, उसको आप इस चीज पे ले आए, एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम में ले आए कि आपको 4% से इस मेट्रिक को घटा करके 3.75 तक लाना है, यही मेरा काम है. उस मीटिंग से जब आप निकले तो आपके दिमाग में ये नहीं है अब कि मुझे रेवेन्यू बढ़ाना है, आपके दिमाग में ये है कि मुझे 4 से 3.75 लेके आना है चर्न रेट. दिस इज स्टेप वन. कभी भी आपको कोई बिजनेस प्रॉब्लम जब मिले, आपका फर्स्ट इंस्टिंक्ट एज अ गुड डेटा साइंटिस्ट शुड बी कि मैं उसको मैथमेटिकल प्रॉब्लम में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, एक ऐसा प्रॉब्लम जिसको मैं बोल पाऊँ, अपनी टीम को बता पाऊँ. अब मैं घुसूंगा अपने ऑफिस में और मैं अपने टीममेट्स को बुला करके सीधे बोलूंगा कि सी हमारा नेक्स्ट 6 मंथ्स का टारगेट है चर्न रेट को 4 से 3.75 लेके आना, दैट शुड बी आर एंड गोल, इसी के लिए हम लोग पागल हो जाएंगे, दैट इज द आइडिया. ठीक है, तो ये हो गई सबसे पहली बात, आपने एक बिजनेस प्रॉब्लम को मैथमेटिकल प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर दिया. अब आता है सेकेंड स्टेप. अब सेकेंड स्टेप में आप क्या करते हो, आप खुद से बातें करते हो, आप सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करते हो कि आप किस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, आप किस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, मतलब सुपरवाइज्ड है, अनसुपरवाइज्ड है, सुपरवाइज्ड है तो रिग्रेशन है या क्लासिफिकेशन है, राइट? अब यहां पर आपको क्या करना पड़ता है, यू हैव टू सी द बिग पिक्चर, यू हैव टू सी द बिग पिक्चर. बिग पिक्चर का मतलब कई चीजें हो सकती हैं. पहला कि एंड प्रोडक्ट क्या होगा, व्हाट विल बी द एंड प्रोडक्ट, राइट? सी आपको क्या करना है, आपको चर्न रेट रिड्यूस करना है, राइट? आपको चर्न रेट रिड्यूस करना है. चर्न रेट रिड्यूस कैसे होगा, चर्न रेट रिड्यूस तब होगा जब आप उन कस्टमर्स को रोक पाओ जो छोड़ के जाने वाले हैं. तो आपको चर्न रेट प्रिडिक्शन नहीं करना है, यहां पे कंफ्यूज मत होना, आपको चर्न रेट का प्रिडिक्शन नहीं करना है, ये अलग काम है, ये किसी और का काम है. चर्न रेट का प्रिडिक्शन करना किसी और का काम है कि इतने परसेंट कस्टमर्स छोड़ के जाएंगे, किसी और का काम है. आपका काम है उसको घटाना, आपका काम है उन लोगों को रोकना जो जाने वाले हैं. तो यहां पे आपको सबसे पहले ये पता करना है कि कौन लोग छोड़ के जाने वाले हैं. दिस इज योर मेन टास्क. इफ यू हैव टू रिड्यूस द चर्न रेट देन योर मेन टास्क इज टू आइडेंटिफाई द कस्टमर्स हु आर गोइंग टू लीव द प्लेटफॉर्म, राइट? तो मेरा टास्क ये हो गया सबसे पहले तो कि मुझे अपने उन कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करना है जो प्लेटफॉर्म छोड़ के जाने वाला है. क्या कोई कस्टमर छोड़ के जाने वाला है, यस और नो? ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि एंड प्रोडक्ट क्या होगा, मैं बनाने वाला क्या हूं, मुझे उनको रोकना है, राइट? तो रोकने के लिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा. लेट्स से मुझे पता चल गया, मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये बंदा है, ये प्लेटफॉर्म छोड़ के जाने वाला है, राइट? तो अब मैं उसको रोकने के लिए क्या कर रहा हूँ, ये मुझे डिसीजन मेकिंग करना है. अब यहाँ पे चीजें थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो सकती है बिकॉज यू आर वर्किंग फॉर अ बिग ऑर्गेनाइजेशन. आप मल्टीपल चीजें कर सकते हो किसी को रोकने के लिए. एक इमीडिएट चीज आप ये कर सकते हो कि उसको अगले महीने थोड़ा सा डिस्काउंट दे दो. आप बोलो कि हियर इज अ डिस्काउंट फॉर यू 50%, तो हो सकता है कि 50% कम पे करने के हिसाब से वो रुक जाए. आप एक तरीका ये अपना सकते हो, राइट? सेकेंड है कि आप ये आइडेंटिफाई करो कि उसको परेशानी क्या हुई है, राइट? क्या उसको अपने पसंद का कंटेंट नहीं मिल रहा, या फिर वो थोड़ा ज्यादा एज का यूजर है और हमारा यूआई नेविगेट नहीं कर पा रहा, या फिर उसके एरिया में इंटरनेट का प्रॉब्लम, कुछ भी आप पता करो कि उसके साथ हो क्या रहा है. ठीक है, तभी आप उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे. बट अभी आपने इमीडिएट प्लान क्या किया, मेरा इमीडिएट प्लान है कि मैं अभी, सिंस मुझे कस्टमर्स का प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने में 1-2 महीने का टाइम लग सकता है, बट कस्टमर तो तुरंत छोड़ के चला जाएगा, तो मेरा इमीडिएट प्लान ऑफ एक्शन इज कि जैसे मैं आइडेंटिफाई करता हूँ कि कोई कस्टमर छोड़ के जा रहा है, मैं उसको तुरंत इंस्टेंट डिस्काउंट ऑफर करूंगा उसके नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ के सब्सक्रिप्शन पे. लेट्स होप रुक जाए. तो इस पॉइंट पे अगर आप देखो तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आप जो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो ये एक्चुअली सुपरवाइज्ड
मशीन लर्निंग वाला प्रॉब्लम है और आपको एक क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम मिल रहा है, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम मिल रहा है, जहां पे आपको हर एक इनकमिंग कस्टमर के लिए ये प्रिडिक्शन करना है कि क्या वो इस मंथ प्लेटफॉर्म छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा, राइट? अभी तक आपके दिमाग में ये पिक्चर बना कि मुझे हर कस्टमर के लिए प्रिडिक्शन करना है कि प्लेटफॉर्म छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा. बट सडनली से फिर आपका आपके कलीग के साथ डिस्कशन हुआ, उसने बोला कि एक बात बताओ, हर कोई जो प्लेटफॉर्म छोड़ के जाने वाला है, हम सबको बराबर क्यों मान रहे हैं? कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका प्लेटफॉर्म छोड़ के जाने का मन ज्यादा कर रहा होगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका प्लेटफॉर्म छोड़ के जाने का मन थोड़ा बहुत कर रहा होगा, राइट? सभी लोगों के अंदर बराबर ऐसा नहीं होगा कि मुझे नेटफ्लिक्स छोड़ना है. कुछ लोग थोड़े ज्यादा पिस्ड ऑफ होंगे, कुछ लोग थोड़े कम पिस्ड ऑफ होंगे. तो सभी को बराबर डिस्काउंट क्यों देना? क्योंकि आप जिस स्केल पर डिस्काउंट दे रहे हो, बहुत खर्चा हो सकता है. तो वॉट इफ मैं ये आइडेंटिफाई करूं कि इसका भी थोड़ा सा मन है छोड़ के जाने का, तो मैं इसको कम डिस्काउंट दूं, और इसका भी बहुत ज्यादा मन है छोड़ के जाने का, तो इसको मैं ज्यादा डिस्काउंट दूं, राइट? आप ऐसा कर सकते हो ना. तो तब आपने सोचा कि हाँ यार, ये बात सही है, वाई नॉट आइडेंटिफाई द अमाउंट विथ विच दे वॉन्ट टू लीव द प्लेटफॉर्म. मतलब वो सेंटिमेंट आप निकालना चाहते हो कि कितना परसेंट में बंदा, मतलब वॉट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गाय लीविंग द प्लेटफॉर्म. आप 90% श्योर हो कि ये बंदा छोड़ के जाएगा, आप 100% श्योर हो ये बंदा छोड़ के जाएगा, 50% श्योर हो ये बंदा छोड़ के जाएगा. तो आप हर कस्टमर के लिए एक स्कोर जनरेट करना चाहते हो 0 से 100 के बीच में, कि इतना परसेंट वी आर श्योर कि ये प्लेटफॉर्म छोड़ के जाएगा. जिसका परसेंटेज जितना हाई, आप उसको उतना ज्यादा डिस्काउंट दो, और जिसका जितना कम, उसको उतना कम डिस्काउंट दो, राइट? तो सडनली से आपने रियलाइज किया, कह रहे नहीं नहीं गलती कर रहे थे, ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज अ रिग्रेशन प्रॉब्लम, दिस इज अ रिग्रेशन प्रॉब्लम, राइट? तो यही मैं आपको बोल रहा हूँ. देखो, हम एक्चुअली नेटफ्लिक्स में काम नहीं कर रहे, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि हमारा थॉट प्रोसेस कैसा रहता है. तो इस पॉइंट पे आपको टाइप ऑफ प्रॉब्लम पता चल गया कि ओके, मैं रिग्रेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, जिसका आउटपुट होगा हर कस्टमर के लिए कि वो कितना परसेंट चांस है कि वो छोड़ के जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग उसको नेक्स्ट मंथ डिस्काउंट दूंगा. और इसके अलावा और काम तो मैं करूंगा ही, बाकी टीम्स के साथ बैठ करके मैं प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करूंगा कि कंटेंट कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, यूआई कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, क्या हमारे सब्सक्रिप्शन प्राइसेस हाई है, क्या हम उनको नीचे ला सकते हैं, कुछ भी इस तरह का आप सोचोगे, वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, मैं अभी शॉर्ट टर्म बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये हो गया सेकेंड स्टेप. थर्ड स्टेप होता है, आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि क्या करंट सॉल्यूशंस अवेलेबल है आपके पास, राइट? तो आप इस केस में क्या करते हो, आप अपने ऊपर CTO वगैरह से जाके बात करते हो, जिनको सबके बारे में पता होता है, उनसे आप जाके बात करते हो, तो आपको पता चला कि हाँ, एक एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन तो है जो ओवरऑल चर्न रेट बताता है, ओवरऑल चर्न रेट नेटफ्लिक्स का पूरा, कि नेक्स्ट मंथ 5% के अराउंड होगा या 6% के अराउंड होगा, ये प्रिडिक्शन करके दे देता है. ऐसा एक मॉडल है आपके पास, राइट? और ये ±10% एक्यूरेट भी रहता है. तो आपने बोला चलो ठीक है, किसी ने कुछ काम कर रखा है, हम उसके काम से थोड़ा सा इंस्पिरेशन ड्रॉ कर सकते हैं कि उसने क्या क्या फैक्टर्स कंसिडर किए थे ये वाला प्लेटफॉर्म बनाने के केस में. तो इससे आपको थोड़ा सा हेल्प हो जाता है कि पहले कुछ काम किया हुआ है उसी डायरेक्शन में, तो आपको स्क्रैच से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है. आप चाहो तो जाके उस टीम से बात कर सकते हो कि व्हाट वर द एग्जैक्ट फैक्टर्स जो आपने कंसिडर किया था ये चर्न रेट कैलकुलेट करने में या प्रिडिक्ट करने में, ठीक है? तो इससे आपको एक हेड स्टार्ट मिल जाता है अपना प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम, ठीक है? तो ये भी एक तरीका हो गया, ये भी एक स्टेप हो गया करंट सॉल्यूशन के बारे में पता करना. नेक्स्ट आ गया, आप बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, कि डेटा कहाँ से आएगा and what will be the data, right? अब यहाँ पर अब आपको बैठ के बहुत क्लियरली सोचना है कि आपको कैसा डेटा चाहिए, उस डेटा में क्या क्या कॉलम्स होने चाहिए. तो यहाँ पे आपको बहुत टाइम स्पेंड करना पड़ेगा टू एग्जैक्टली थिंक कि आपको किस तरह के डेटा को लेके आना है अपने पास, ठीक है? अब अगर आपको निकालना है कि कोई बंदा कितना परसेंट प्रोबेबिलिटी के प्लेटफॉर्म छोड़ के जाएगा, तो आपको पलट करके क्या करना पड़ेगा, आपको लोगों का वॉच टाइम स्टडी करना पड़ेगा उस मंथ, कि उसने कितने घंटे नेटफ्लिक्स पे स्पेंड किया, उसमें कितना टाइम उसने ब्राउजिंग में स्पेंड किया, कितना टाइम वो एक्चुअली मूवी देख रहा था. ऑब्वियसली अगर वो ब्राउजिंग में ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है तो उसको अपने मनपसंद का कंटेंट नहीं मिल रहा है, तभी वो इतना सर्च कर रहा है. और अगर वो स्ट्रीमिंग में ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है तो इट सीम्स कि वो भी इन्वॉल्व है, कुछ ना कुछ देख रहा है, जो कि अच्छी बात है, ठीक है? फिर आप ये निकालोगे कि एक पर्टिकुलर महीने में उस बंदे ने कितने सर्चेस किए आपने आपके प्लेटफॉर्म पे, और उसमें से कितने सर्चेस का एग्जैक्ट रिजल्ट आपको मिल गया, राइट? मतलब लेट्स से मैंने एक मूवी सर्च किया मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मुझे नहीं मिला, फिर मैंने कोई और मूवी सर्च किया इंसेप्शन, वो भी मुझे नहीं मिला, और इस तरह के मेरे 300 सर्चेस है पूरे मंथ में, और मुझे 300 चीजें नहीं मिली जो मैं खोज रहा था. तो ऑब्वियसली दिस इज अ बैड थिंग, इट शोज कि आपके कस्टमर को जो चाहिए है वो नहीं मिल रहा. तो आप ये चीज निकाल सकते हो, राइट? आप ये भी निकाल सकते हो कि कितनी बार आपका कस्टमर एक पर्टिकुलर गिवन मंथ में कोई मूवी या फिर कोई शो स्टार्ट करके बीच में छोड़ दिया,
ये बता रहा है कि आपका कंटेंट जो है वो उतना टेम्पटिंग नहीं है, वो उतना इंटरेस्टिंग नहीं है कि आपके कस्टमर को पकड़ के रख पा रहे हैं. तो दिस इज ऑल्सो अ फैक्टर, राइट? यू कैन ऑल्सो सी कि आप जो रिकमेंडेशन दे रहे हो उसको, उसमें से कितने रिकमेंडेशन पे वो क्लिक कर रहा है, राइट? तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पे बैठ के सोचना होगा कि आप क्या क्या फैक्टर्स के बारे में सोच सकते हो, क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, राइट? और आपको इवेंचुअली क्या करना होगा, आपको जाके एक डेटा इंजीनियर को पकड़ना होगा, एक डेटा इंजीनियर को पकड़ना होगा जो क्या करेगा, नेटफ्लिक्स के एक्चुअल डेटाबेस से, जो मैंने आपको शायद बताया भी था, OLTP से आपको एक डेटा वेयरहाउस बना के दे देगा, जिस डेटा वेयरहाउस में ये सारे के सारे कॉलम्स होंगे फॉर गिवन कस्टमर्स, और उस डेटा सेट के ऊपर फिर आप काम करोगे. तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि यू नीड अ डेटा इंजीनियर, बिकॉज उस गिवन डेटा से ये डेटा लाना मेरे बस का बात नहीं है, मुझे नहीं आता, मुझे किसी और के एक्सपर्टीज का जरूरत पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पे आप अपने डेटा इंजीनियरिंग टीम के पास जाओगे और उधर जाके बात करोगे कि सी हमारे पास क्या क्या डेटा है और उसमें से मुझे ये डेटा निकाल करके दो, ठीक है? तो ये हो गया अपना फोर्थ स्टेप. नेक्स्ट इज मेट्रिक्स टू मेजर. आप कैसे पता करोगे कि आपने जो मॉडल बनाया है वो सक्सेसफुल है कि नहीं, राइट? तो यहाँ पे आप ऑब्वियसली चेक करोगे कि आप जितना चर्न रेट प्रिडिक्ट कर रहे थे और इवेंचुअली जितने लोग छोड़ के गए प्लेटफॉर्म, उसमें डिफरेंस कितना है. लेट्स से वो डिफरेंस आ रहा है सिर्फ 0.25, तो यू विल बी हाँ फिर सही है, मतलब मैं प्रिडिक्ट कर रहा था इतने लोग छोड़ के जाएंगे, उससे बस थोड़े ही ज्यादा लोग छोड़ के गए, तो मैं सही डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ. आप ये भी पता कर सकते हो कि आपने जिन कस्टमर्स को बोला था ये छोड़ के जाएंगे, क्या वही कस्टमर्स छोड़ के जा रहे हैं या फिर कोई और कस्टमर्स छोड़ के जा रहे हैं, राइट? ये भी बताएगा कि आप सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हो कि नहीं. सो बेसिकली आपको इस स्टेप में कुछ मेट्रिक्स डिफाइन करने पड़ेंगे अपनी टीम के लिए, अपने लिए, कि आप जो भी चीजें कर रहे हो उसके बारे में कैसे आप श्योर हो सकते हो कि वो सही है कि नहीं, राइट? तो मेट्रिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेट्रिक्स ही आपको बेसिकली आपका नॉर्थ स्टार बनते हैं, आपको गाइड करते हैं कि आप जो चीजें कर रहे हो पिछले 6 महीने से वो सही है कि नहीं, ठीक है? तो मेट्रिक्स पे भी यू विल हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है? नेक्स्ट, एक और कंसिडरेशन आपको सोचना पड़ता है शुरू में ही कि आर यू गोइंग फॉर ऑनलाइन लर्निंग और बैच लर्निंग. मैंने आपको बताया था बैच लर्निंग में आप क्या करते हो, अपने मशीन पे ट्रेन करके सर्वर पे डाल देते हो और फिर रीट्रेनिंग जब भी आपको करना होता है आप सर्वर से अनलोड करके वापस लाते हो, नए डेटा के साथ फिर से ट्रेन करके मॉडल को अपलोड करते हो, और ऐसा आप पीरियोडिकली करते हो, राइट? ऑनलाइन में क्या होता है कि आपका मॉडल स्ट्रीमिंग डेटा से लगातार सीखता जाता है, राइट? ऑन द गो सर्वर पे लर्निंग चलता रहता है, राइट? अब यहाँ पर अगर मैं होता उस जगह पे, उस बंदे की जगह पे, तो आई वुड हैव प्रेफर्ड ऑनलाइन लर्निंग, बिकॉज नेटफ्लिक्स पे लोग कितना टाइम स्पेंड करेंगे ये एक्चुअली बहुत ही वोलाटाइल कॉन्सेप्ट है, बहुत सारी चीजें अफेक्ट करेंगी. अब लॉकडाउन लग गया, ऑब्वियसली लोग ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, इनफैक्ट और ज्यादा लोग आएंगे, हो सकता है चर्न रेट हायर हो, बहुत सारे ऐसे लोग आ गए जो एक्चुअली उतना बिंज नहीं करते चीजों को, बट उनके पास अभी टाइम था तो वो आ गए, बट फिर ग्रेजुअली दे विल रियलाइज कि अरे नहीं यार कुछ और कर लेता हूँ, छोड़ के चले गए, तो आपका चर्न रेट उस केस में हायर होगा. तो इस तरह के वोलाटाइल चेंजेस जो होते हैं, जैसे हॉलीडेज आ गए तो ऑब्वियसली आपका फिर से ज्यादा कस्टमर्स आएंगे और चर्न रेट ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है. तो अ बेटर अप्रोच वुड बी कि अगर आप ऑनलाइन लर्निंग करवा पाओ दैट वुड बी ग्रेट, कि इनकमिंग डेटा आपके पास आ रहा है नेटफ्लिक्स पे और आपका डेटा वेयर हाउस इस तरीके से सेटअप है कि नया डेटा भी पूरे टाइम आते जा रहा है और आपका मॉडल इस तरीके से सेटअप है, मतलब बेसिकली पूरा फ्लो कुछ ऐसा होगा कि आपके OLTP में डेटा आ रहा है एंड दिस डेटा इज कंटिन्यूसली फ्लोइंग थ्रू योर डेटा वेयर हाउस एंड दिस इज गोइंग थ्रू योर मॉडल, राइट? एंड इट इज कंटिन्यूसली बीइंग ट्रेन्ड, ठीक है? और साथ ही साथ आउटपुट तो आपको दे ही रहा है, राइट? तो आप ये पूरा फ्लो स्टैब्लिश करने का ट्राई करोगे, राइट? मतलब अब ऑब्वियसली यहाँ पे कंसिडरेशन होंगे कि यार ऑनलाइन तो बड़ा डिफिकल्ट है, हमारे पास जिस तरह का डेटा है वहां से हम ऑनलाइन ट्रेनिंग करना डिफिकल्ट हो रहा है, तो फिर आप बोलोगे ठीक है हटाओ, फिर बैच लर्निंग करते हैं, हर एक हफ्ते बाद हम लोग मॉडल को ऑफलाइन करके फिर से ट्रेन करके ऑनलाइन कर देंगे. तो अगेन यहाँ पे ये भी एक कंसिडरेशन आपको लेके चलना पड़ेगा, ठीक है? द लास्ट थिंग जो आपको करना होता है एज अ डेटा साइंटिस्ट, दैट इज यू चेक योर अजम्पशंस, ठीक है? अब अजम्पशंस में आपको बहुत सारी चीजें सोचनी होती हैं. पहला तो आपको ये सोचना होता है कि आपने जो यहाँ पे कॉलम्स डिसाइड किए, फीचर्स जो भी डिसाइड किए, ये जो भी फीचर्स आपने डिसाइड किए, वॉच टाइम या फिर सर्च किया नहीं मिला, इस तरह के जो भी आपने फीचर्स डिसाइड किए, क्या ये अवेलेबल है कि नहीं. आपका अजम्पशन तो है कि है, बट आपको जाके अपनी डेटा इंजीनियरिंग टीम से बात करनी पड़ेगी और पूछना पड़ेगा कि जो मैं फैक्टर सोच रहा हूँ ये सच में अवेलेबल है या नहीं है. दिस इज योर फर्स्ट अजम्पशन दैट यू विल चेक. सेकेंड अजम्पशन इज कि आप चेक करोगे कि मतलब नेटफ्लिक्स इज अ मल्टीनेशनल कंपनी, राइट?
तो आपका तो अभी तक अजम्पशन ये है कि मैं एक सिंगल मॉडल बनाऊंगा और पूरा नेटफ्लिक्स उसी के ऊपर चलेगा, मतलब पूरी दुनिया के लोगों के ऊपर वो सेम मॉडल एप्लीकेबल होगा। बट क्या ये सही है? आपने जो फैक्टर्स कंसिडर किए, क्या आप श्योर हो कि वो यूएस के ऊपर भी उतने अच्छे से काम करेगा जितना इंडिया के ऊपर करेगा? तो ये अजम्पशंस भी आपको चेक करने पड़ेंगे कि क्या आपको ज्योग्राफी के बेसिस पे मॉडल्स में चेंजेस करने चाहिए या नहीं, और इस तरह के और भी बहुत सारे अजम्पशंस आप चेक करते हो। ठीक है, अब सी दिस इज वॉट यू डू, मतलब मैं आपको बस इस वीडियो में बता रहा था कि आप सोचते कैसे हो। ऐसा कुछ सेट प्रोसीजर नहीं है कि इसके बाद यही सोचना है, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि इफ यू आर गोइंग टू बिकम अ डेटा साइंटिस्ट ना, इफ यू आर गोइंग टू बिकम अ डेटा साइंटिस्ट देन यू विल हैव टू थिंक अ लॉट, राइट? प्रॉब्लम को लाइक सीधे आप कोड करना स्टार्ट नहीं कर दोगे, आपको पहले बैठ के उसके इर्द गिर्द पूरा सोचना पड़ेगा, तभी आप स्टार्ट करोगे। क्योंकि होता क्या है, इफ यू आर वर्किंग फॉर अ बिग ऑर्गेनाइजेशन एंड यू आर द लीड, तो आप विदाउट सोचे ऐसे काम करवाना स्टार्ट नहीं कर सकते, बिकॉज इनर्शिया बहुत ज्यादा होता है बड़ी कंपनीज का। तो आप एक बार अगर स्टार्ट कर दिया ना काम करना एक डायरेक्शन में, तो पता चला कि गलती हुई है और फिर वापस आके दूसरे डायरेक्शन में काम करना बहुत डिफिकल्ट और कॉस्टली होता है, राइट? क्योंकि आप पर आवर बेसिस पे लोगों को चार्ज कर, मतलब पैसे पे कर रहे हो, तो उतना काम वेस्ट हो जाएगा और फिर इट डज नॉट रिफ्लेक्ट गुड ऑन योर लीडरशिप। ठीक है, तो एक चीज और मैं जो आपको बोलना चाहूंगा कि आप ऐसा सोच सकते हो कि यार मैं तो अभी बिगनर हूँ, मुझे तो छोटे मोटे काम पकड़ाए जाएंगे, तो मैं ये वीडियो क्यों देखूं, या ये वीडियो में जो देखा बताया जा रहा है वो मैं क्यों फॉलो करूं? उसका रीजन ये गाइस कि सी एक पॉइंट पे किसी भी कंपनी में बहुत सारे फ्रेशर्स घुसते हैं, लेट्स से हजारों फ्रेशर्स घुसते हैं। 5 साल बाद क्या सभी मैनेजर बन जाते हैं? नहीं, सभी मैनेजर नहीं बनते, प्रोबेबली उनमें से 10 लोग या 25 लोग मैनेजर बनते हैं। ये कौन लोग होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो इस तरह का लीडरशिप स्किल, इस तरह का थिंक थॉट प्रोसेस शो करते हैं। तो मैं वही चाह रहा हूँ कि जो भी लोग ये पूरा प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हैं वो मशीन लर्निंग तो सीखे बट वो अच्छा डेटा साइंटिस्ट बनना भी सीखे। तो इसलिए आज का वीडियो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आप देख रहे हो पूरा तो ग्रेट, और नहीं देख रहे हो तो क्या कर सकते हैं, तो फिर आगे के वीडियोस देखना। ठीक है, सो एनीवेज गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप यू लाइक इट, इफ सो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग। ठीक है, सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।